नेक्स्ट टॉपिक फ्रॉम द यूनोटॉलोजी अबाउट द प्री मिच्योरिटी इसमें से एम सी क्यूज आ सकते हैं तो उसको हम देख लेते हैं कि प्री मिच्योर बेबी हम कब कहते हैं कि जब थ्री थर्टी सेवन वीक्स से पहले अगर बच्चा डिलीवर हो तो उसको कहते हैं प्री मिच्योर बेबी है तो लाइव बॉर्न इन्फेंट डिलीवर्ड बिफोर थर्टी सेवन वीक्स फ्राम द फर्स्ट डे ऑफ द लास्ट मैंस्टरल पीरियड उसको कहते हैं प्री मिच्योरटी तो प्री मिच्योर बेबी क्यों पैदा होता है अब इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं डिफरेंट कॉजे हैं मेटरनल फैक्टर्स मटरनल कॉजेज हैं यूट्रस के काज हो सकते हैं फीटस के काजेस हो सकते हैं अदर्स हो सकते हैं मटरनल कॉजि क्या हो सकते हैं कि मदर की जो प्रेगनेंसी है वो टीन एज प्रेगनेंसी है ट्विन प्रेगनेंसी है ट्विन प्रेगनेंसी होगी ऑब्वियसली प्री मिच्योर बच्चे पैदा होंगे मेल न्यूट्रिशन है मदर की तो प्री मीच्योर बच्चे होंगे मदर एनीमिक है तो प्री मिच्योरिटी होगी बेबी में मतलब स्मोकिंग करती है ड्रग्स यूज़ करती है बीमार है उसको डायबिटीज़ हाइपरटेंशन है मदर मतलब को कोई इन्फेक्शन है तो प्रीमच्योर बेबी पैदा होगा यूट्राइन काजेस क्या हो सकते हैं कि यूट्रस का स्ट्रक्चर ही ऐसा नहीं बना हुआ कि वो बेबी को अंदर ज़्यादा देर के लिए टर्म तक ले कर जा सके फॉर एग्ज़ाम्पल बायोट्री यूट्रस है इनकॉम्पेनेंट सर्विक्स है जिसकी वजह से बेबी बाहर आ रहा है प्लेसेंटा प्रीविया है प्लेसेंटल अब्रप्शन है प्लेसेंटल डिसफंक्शन है जिसकी वजह से क्या होगा प्रीमच्योर बेबी पैदा होगा ठीक है फिर आ जाते हैं फीटल कॉजेस फीटल काजेज़ में क्या है कि फीटल डिस्ट्रेस हो गया जिसकी वजह से प्रीमीच्योर बेबी हो गया मल्टीपल जेस्टेशंस ज़्यादा बेबीज होंगे जल्दी बाहर आएंगे क्रोमोसोमल इश्यूज होंगे बेबी जल्दी बाहर आएंगे ठीक है इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन हैं तो वो बाहर आ जाएंगे बेबी जल्दी यूसरो है तो बेबी जल्दी बाहर आएगा अदर्स में क्या है पोलिहाइड्रोम्योज है तो प्रीमीच्योर बेबी होगा प्रॉम है मतलब के प्रीमिच्योर आप्चर ऑफ मेम्बर हो गई है जल्दी मेम्बर अपचर करेंगे तो बेबी बाहर आ जाएगा ट्रॉमा की वजह से आइट्रोजेनिक सो दीज आर ऑल द कॉजे विच लीड टू प्री बेबीज़ अब जब बच्चा जो है वो प्री पैदा हो रहा है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स या कॉम्प्लिकेशंस क्या आएंगी अब कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो दो तरह से होती हैं शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन होती हैं कि बच्चा जो है वो जब प्री होगा तो उसके अंदर क्या शॉर्ट टर्म कॉम्प्लीकेशनस आएँगी इमीजिएट या एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस आएंगी और लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस होती हैं कि जो बाद में जा आती हैं शॉर्ट टर्म में क्या है कि बच्चा प्री मिच्योर होगा तो हमने हाइपोथर्मिया में पढ़ा था कि प्री मिच्योर बच्चे जो होते हैं उनके अंदर ब्राउन फैट जो होती है वो ऐसे नहीं होती उनका शिवरिंग मैकेनिज्म ऐसे डेवलप नहीं हुआ होता उनकी वेजल्स जो है वो ऐसे डेवलप नहीं हुई होती जब वेजो कंस्ट्रक्शन कॉज करें बच्चे को हाइपोथर्मिया से बचाएँ तो प्री मिच्योर बेबीज़ के अंदर क्या होगा हाइपोथर्मिया होगा फिर क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया क्यों क्योंकि उनके उनके पास ग्लाइकोजन के स्टोर्स जो हैं वो एक टर्म बेबी की तरह नहीं होंगे तो अगर उनकी बॉडी को ग्लूकोज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो ग्लाइकोजन स्टोर ही नहीं होंगे कि वो उसको ग्लूकोज़ प्रोवाइड करें तो हाइपोथर्मिया हाइपोग्लाइसीमिया होगा कैल्शियम की कमी होगी क्योंकि बेबी के अंदर हार्मोनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो अभी इमिच्योर होगा तो उसकी वजह से बच्चे में हाइपोकलाइसीमिया होगा प्री में फिर इसके अलावा क्या है तो हाइपोथर्मिया हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोकेलेसीमिया होता है इसके अलावा क्या होता है ब्रेन के अंदर बात करें तो इंट्रा इंट्रा वेंटिकुलर हेमरेज होता है क्यों क्योंकि ब्रेन की जो वेजल्स होती हैं वो अभी इमिच्योर होती हैं और क्लॉटिंग फैक्टर्स की भी डेफिशिएंसीज होती हैं तो इस वजह से इंट्रावेंटिकुलर हैमरेज का चांस होता है तो इस वजह से हम बच्चा जब पैदा होता है तो मैंने आपको बताया था कि बच्चे को हम वाइटामिन के का इंजेक्शन देते हैं ठीक है उसके बाद अगर हम बात करें तो आइस के अंदर क्या हो सकता है ठीक है आइस के अंदर क्या हो सकता है आइस के अंदर जो है रेडिनोपैथी होती है ऑफ़ प्री मचोरिटी इसके अलावा अगर हम बात करें जीआईडी से रिलेटेड जी आई से रिलेटेड क्या है कि बच्चा जो है अभी उसकी सकिंग और स्वेलोइंग जो रिफ्लेक्स है वो अभी सही तरह से बनी नहीं हुई जैसे एक नॉर्मल बच्चे की होती है जिसकी वजह से उसका सारा खाना बाहर आएगा गर्ड होगा उसको फीडिंग इश्यूज आएंगे ठीक है इसके अलावा उसकी गर्ट इमिज और है और इसके अंदर इंजाइम की कम कमी भी है इंजाइम्स जो हैं वो अच्छे नहीं बने हुए तो नेक्रोटाइजिंग एंटीरोलाइटस होगा ठीक है नेक्रोटाइजिंग एंटीरोलाइटस जो है वो होगा उसको उसके अलावा पेटेंट डक्टस आर होगा प्री टर्म में पेटेंट डक्टस आर होगा एक नॉर्मल बंदे की तरह बच्चे की तरह नहीं होगा रेस्पिरेटरी इश्यूज क्या होंगे रेस्पिरेटरी इश्यूज अगर हम बात करें तो क्या होंगे रेस्पाटरी डिफ़िकल्टीज में क्या होगा कि बच्चों को जो है वो रेस्पारेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा क्यों क्योंकि उनके अंदर सरफैक्टन का लेवल ऐसा नहीं होगा फिर उनका लिवर इमेचोर होगा तो लिवर जब इमेचोर होगा तो उनके अंदर जो है वो जॉन्डस डेवलप होगा क्योंकि उसके अंदर उनके कोगुलेटिंग इन्जाइम्स ऐसे डेवलप नहीं हुए होंगे ठीक है फिर होता है एक चीज़ होती है कि एनीमिया ऑफ प्रीमचोरिटी होती है ठीक है अनिमिया ऑफ प्री मीच्योरिटी अनिमिया क्यों होता है बच्चों को प्री बेबीज़ को क्योंकि उनके आयरन स्टोर जो हैं वो कम होते हैं उनके अंदर वाइटामिन ई e की डेफिशेंसी होती है और फिजियोलॉजिकली भी अनीमिया होता है तो ये हो गया इसके अलावा बच्चे के अंदर जो है कैल्शियम और वाइटामिन डी की कमी की वजह से रिकेट्स होता है मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ होती है तो ओवरऑल जो है क्या हो रहा है ये सारे आगे भी लिखे हुए हैं ओवरऑल देखें सारे सिस्टम्स इफेक्ट हो रहे हैं सी से ऊपर से दिमाग से शुरू करें इंट्रावेंटिकुलर हेमरेज ठीक है फिर आ जाए नीचे आँखों में तो रेटिनोपैथी ऑफ प्री फिर आ जाए हार्ट में हार्ट में क्या हो रहा है पेटेंटकटर सार्टिस हार्ट के साथ ही लंग्स पड़े हुए हैं लंग्स में क्या है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम नीचे क्या है लिवर पड़ा हुआ है तो लिवर के अंदर जॉन्टेस होगा फिर उसके बाद आ जाएंगे हम किस पे ओवरऑल जी पे तो उसमें क्या होगा गर्ड होगा नेक्रोटाइजिंग एंटीरोकोलाइटिस होगा ठीक है फिर आ जाएं आप बोन्स पे तो उस पर क्या होगा रेकेट्स होगा मेटाबॉलिक बोन डिजीज और अनिमिया प्रीमिचोरिटी ठीक है और मेटाबॉलिक में क्या होगा हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोकलेमिया और ओवरऑल हाइपोथर्मिया ठीक है तो ये सारे हमारे सिस्टम्स हो गए अब प्री मिच्योरिटी की लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन्स क्या होती हैं कि जब लंग्स हैं उनके अंदर डिस्प्लेसिया हो जाता है बच्चों की पोअर ग्रोथ होती है क्योंकि उन वाइटमिन आयरन की डिफिशेंसीज होती हैं बच्चे में लर्निंग ईशूज़ होते हैं डेफनेस होती है और हाइड्रोसिफलिस की वजह से सी एन एस डिसफंक्शन हो जाता है बच्चे जो है वो प्री मच्योर अच्छी तरह से सीख नहीं पाते लर्निंग उनकी एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती नॉर्मल लोगों की तरह तो क्या हो रहा है ब्रोंकोपल्मोनरी डिस्प्लेसिया हो रहा है पोअर ग्रोथ हो रही है और सी एन एस डिसफंक्शन हो रही है लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस सो so नेक्स्ट एक चीज़ होती है प्री के लिए दैट इज़ बालार्ड स्कोर स्कोर ठीक है बालार्ड स्कोर होता है उसमें बैल स्कोर ये हम जो है वो करते हैं प्री uh, मच्योरिटी के लिए टू वीक्स के अंदर अंदर इसको इसको हम यूज़ कर सकते हैं इस कोर में हम न्यूरोमस्कुलर मोटिलिटी बच्चे की चेक करते हैं उसमें उसका पोस्चर है और उसके जो है एंगल और सारा कुछ हम देखते हैं पोस्चर वगैरह मस्कुलर मच्योरिटी पेशेंट का चेक करते हैं बेबी का और दूसरा फिजिकल मेचोरिटी होती है इसको डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है बस ये बालट स्कोर होता है कि आपको पता होना चाहिए मेचोरेशनल असमेंट ऑफ जेस्टेशनल एज के लिए जिसमें न्यूरोमस्कुलर मेचोरिटी हम देखते हैं और फिज़िकल मेचोरिटी बच्चे की देखते हैं और फिर हम उसकी मैनेजमेंट करते हैं मैनेजमेंट में क्या करते हैं वो देख लेते हैं कि जो प्री मच्योर बेबी है उसकी हमने डिलीवरी रूम में क्या केयर करनी है बर्थ के बाद केयर क्या करनी है और डिस्चार्ज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए इस तरह से हम मैनेजमेंट करते हैं सबसे पहले डिलीवरी रूम केयर जब बच्चा पैदा होता है और प्री मच्योर होता है तो उसको पीडियाट्रिशियन जो है वो देखता है उसकी रिससिटेशन प्रॉपर करता है उसकी वाइटल साइंस की जो है उसकी अर्ली स्टेबलाइजेशन करता है फिर उसको हाइपोथर्मिया से हाइपोग्लाइसीमिया से बचाते हैं फिर अगर उसका वेट जो है वो वन के से कम होता है तो उसको हम आई में शिफ्ट कर देते हैं वेंटिलेशन पर लगा देते हैं अगर उसका वेट वन टू वन पॉइंट होता है तो फिर हम उसको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं अगर बेबी का साइज़ जो है वो फिर ठीक हो जाता है तो हम उसकी एयरवेज जो है उनको क्लियर करते हैं मतलब बेबी अगर ठीक साइज़ का है तो फिर हम उसके एयरवेज़ क्लियर क्लेर करते हैं और उसको रैप करते हैं और नर्सरी में ले जाते हैं और उसकी मोनीटरिंग करते रहते हैं ठीक है तो ये होता है कि हम बेबी की अर्ली रजिस्ट्रेशन करते हैं वाइटल साइंस हाइपोथर्मिया हाइपोग्लाइसीमिया से बचा के उसके वेट को असेस करके अकॉर्डिंग टू दैट आई सी में शिफ्ट करते हैं ऑब्जर्वेशन में रखते हैं अगर गुड साइज़ का है वेट भी ठीक है बेबी का तो फिर हम उसको एयरवेज़ वग़ैरह साफ़ करके उसको रैप करके नर्सरी रूम में ले जाते हैं और मोनीटरिंग करते हैं ये सारा क्या था डिलीवरी रूम में केयर थी ठीक है उसके बाद पता है कि आफ़्टर बर्थ हमने कैसे केयर करनी है जब बच्चे की बर्थ हो गई है उसके बाद हमने उसको थर्मो न्यूट्रल इन्वायरमेंट देना है उसको जो है इनक्यूबेटर में रखना है उसका टेमपरेचर सेट करना है इनक्यूबेटर के लिए जो टेम्परेचर होता है वो उन्होंने बताया हुआ है कि इतने के का बेबी होगा तो किस टेम्परेचर पर रखना है लाइक अगर वन के से कम है तो थर्टी तक रखना है थर्टी टू थर्टी अगर वन तक है तो टेम्परेचर नीचे ले जाना है थर्टी टू टू थर्टी फाइव वन पॉइंट फाइव टू टू के तो थर्टी टू टू थर्ट थर्टी फोर रखना है ठीक है अगर टू के जी से ज़्यादा है तो थर्टी वन तो टू थर्टी थ्री डिग्री सेल्सियस मतलब जितना ज़्यादा वेट बढ़ता जाएगा हम टेम्परेचर जो है उसको एज एज सच जो है वो डिक्रीज है इंक्रीज़ करते हैं ठीक है उसके बाद हमने उसको रेडियंट हीटर्स यूज़ करने हैं उसको अच्छे से अप करना है उसकी हाइपोग्लाइसीमिया को जो है वो प्रिवेंट करना है हाइपर न्यूट्रीमिया को प्रिवेंट करना है हाइपर कैलीमिया को ट्रीट करना है मोनीटर करना है उसको ऑक्सीजन देनी है और उसको फ्लोइड्स देने हैं जो फ्लोइड्स मैंने आपको बताए थे कि इस तरह से देते हैं प्री टर्म इन्फेंट्स में हमने टेबल डिस्कस किया था फिर बेबी की फ़ीडिंग का ख्याल रखना है उसकी वाइटामिन सप्लीमेंटेशन करनी है ठीक है फीडिंग का ख्याल रखना है वाइटामिन सप्लीमेंटेशन करनी है उसकी वाइटामिन सप्लीमेंटेशन ए बी सी डी ई के सारे वाइटामिन देने हैं उसके बाद उसको जो है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना ठीक है किससे प्रिवेंट करना इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना है एंटी सेप्टिक मैयर्स लेने हैं उसको बहुत ख्याल रखना है उसकी अर्ली डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट करनी है कॉम्प्लिकेशंस की और इन जो है वो सारी उसकी इस तरह से ठीक है तो उसके टेम्परेचर का ख्याल रखा उसको ऑक्सीजन दिया फ्लोइड्स दिए उसकी फीडिंग का ख्याल रखा वाइटामस दिए उसको इन्फेक्शन से बचाया उसकी अर्ली डिटेक्शन मैनेजमेंट की कॉम्प्लीकेशन और प्री मचोरिटी और ये सारा कुछ ठीक है तो ये हो गई हमारी कि हमने बच्चे का आफ्टर बर्थ कैसे केयर करनी है फिर डिस्चार्ज क्राइटेरिया प्री टर्म बच्चे को हमने कब जो है डिस्चार्ज करना है जब बच्चा निपल से फ़ीड ले सकता है मतलब ब्रेस्ट फीडिंग कर कर पा रहा है उसका वेट जो है वो अच्छा गेन हो रहा है मतलब एक दिन में दस से तीस के ग्राम जो है उसका बेबी का वेट जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और उसका जो है वो आ, कोई ब्रेडी कार्डिया रिसेंट या अपने का एपिसोड नहीं आया उसको ठीक है उसका टेम्परेचर बिल्कुल स्टेबलाइज है और उसको हमने जो है कोई आ, पारेंट्रल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो नहीं दी सिर्फ औरल दे रहे हैं तो जब बच्चा खुद खा पी सकता है उसका वेट अच्छा है टेम्परेचर मेंटेन है ब्रेडी ब्रेडिकार्डिया वगैरह उसको सांस का प्रॉब्लम नहीं है तो उसको हम डिस्चार्ज कर देते हैं सिंपल ठीक है फिर होता है रेस्परेटरी डिस्ट्रेस ऑफ द न्यूबॉर्न रेस्परेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम कहते हैं इसको ये इसका दूसरा नाम होता है हाई लिन डिजीज ठीक है सो वट आर द रिस्क फैक्टर्स फॉर द रेस्परेटरी रेस्परेटरी डिस्ट्रेस कब कहते हैं रेस्परेटरी रेट अगर सिक्सटी पर मिनट से ज़्यादा हो विद सिग्निफिकेंट चेस्ट इन ड्राॅइंग अब कॉजिस क्या हैं इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं ठीक है तो क्यों बच्चे को जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है कोज़ेस क्या है ठीक है तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस निमोनिया की वजह से मिकॉनम इसपेरेशन की वजह से हो सकता है मिल्क इस्परेशन की वजह से हो सकता है और डिले इन द कलेरेंस ऑफ लंग फ्लोइड है मतलब उसके लंग्स के अंदर फ्लोइड इकट्ठा हुआ हुआ है so, सो uh, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो है ये प्राइमरीली प्री इन्फेंट्स में हो जाता है तो आ, क्या होगा जब रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी है जिसमें टिकिपनियाँ हुआ, हुआ हुआ है सिक्सटी ब्रेथ से ज़्यादा उसकी परमिनंट आ रही हैं चेस्ट रिट्रैक्शन हैं सायोनोसिस है और चेस्ट एक्सरे जो है उसमें भी प्रॉब्लम नज़र आ रही है इसका मतलब बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में है ठीक है तो इसकी कोजेज़ क्या हैं कोजेज़ ये हैं कि रिस्क फैक्टर्स रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो ये हैं कि बच्चा प्री है डायबिटिक uh, मदर का बेबी है सी सेक्शन की वजह से पैदा हुआ है ठीक है उसको लेबर नहीं हुई लेबर की वजह से ना सरफेक्टर रिलीज़ होता है लेकिन सी सेक्शन में का कैसट रिलीज़ नहीं होता इस वजह से मेल जेंडर में कॉमन है कोरियमोनाइटिस है तो उसकी वजह से हो सकता है हाइड्रोप्स हाइड्रोप्सफिटेलिस की वजह से कोल्ड इन्वायरमेंट की वजह से और एसफिक्जिया की वजह से इन सब की वजह से क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती है तो हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कब कहते हैं जब रेस्परेटरी रेट जो है वो सिक्सटी मिनट से ज़्यादा है चेस्ट रि रिट्रैक्शन स्टर्नल में और इंटरकॉस्टल साइनोसिस है बच्चे में और चेस्ट एक्स रे में हमें फाइंडिंग्स नज़र आ रही हैं कि यूनिफॉर्म जो है रेटिकुलर गुलर पैटर्न नज़र आ रहा है और रेस्पारेशन जो है वो डिलेड ऑन सेट की हुई थी ठीक है अब हमारी पैथोफिजोलॉजी क्या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कि हमारी जो लंग्स होते हैं उनके अंदर टाइप टू एल्ब्यूलर सेल्स होते हैं जो सरफेक्टन बना रहे होते हैं और सरफेक्टन जो है वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी 24 टू 28 वीक्स के दरम्यान में बनता है ये सरफेक्टन क्या करता है ये एल्बुलई की सरफेस टेंशन को कम करता है जिसकी वजह से क्या होता है एलबियल एल्बुलई जो होते हैं को नहीं करते ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ठीक है तो ये चीज़ होती है और जो लेसिथिन टू तो स्पेंगोमाइलिन रेशो होती है वो टू रेशो वन होती है मतलब लेसिथिन ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू स्वेंगोमाइलिन तो इसका मतलब कि क्या होता है लंग्स मिच्योर हो गए हैं कि लेसिथिन ज़्यादा है स्पेंगोमायलिन कम है लेकिन अगर सरवे जो है वो नहीं बनता तो जो सरफेस टेंशन होती है वो कम नहीं होती एल्ब्युलर जो क्लाप्स उन्होंने बचाना होता है वो नहीं होता तो इट लीड्स तो टू एलब्युलर क्लाब्स और एटेल्टस और वेंटिकुलर परफ्यूजन मिसमैच ठीक हो क्या अब कौन सी चीज़ें होती हैं जो सरफैक्टेंट को इंक्रीज़ करती हैं ठीक है, है? सरफैक्टेंट को कौन सी चीज़ें इंक्रीज़ करती हैं तो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपर अगर हो इंट्रा यूट्राइन ग्रोथ रिट्रैक्शन हो ट्विन जेस्टेशन हो या कॉर्टिसोल जो है ना इन सब की वजह से सरफेक्टन का लेवल ज़्यादा होता है और किसकी वजह से सरफैक्टेंट का लेवल कम होता है ये भी हमें पता होना चाहिए ठीक है सरफेक्टेंट का लेवल इंसुलिन की वजह से कम होता है इस वजह से जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनके बेबी के अंदर जो है ना ये वाला होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ठीक है इंसुलिन सरफेक्टेंट को कम करता है ये एमसी यूज के लिए याद रखना है अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस की कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं कि इट कैन लीड टू मतलब कि नमोनिया हो सकता है ठीक है न्यूमोथारक्स हो सकता है प्रोकोपेमरी डिस्प्लेसिया हो सकता है इंट्रावेंकुलर हेमरेज हो सकता है और इसके अलावा पेटेंट डॉक्टर्स आर हो सकता है ठीक है अब हमने इन्वेस्टिगेशन क्या करवानी है इसके केस में हमने कौन सी इन्वेस्टिगेशन करवानी है वो सब इन्वेस्टिगेशन जो रेस्पिरेटरी से रिलेटेड है लाइक चेस्ट एक्सरे हम करवा लेंगे तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो है वो ग्रैनुलर सा रेटिकुलर पैटर्न मिलता है फिर हम उसकी ए बी करवा लेते हैं पल्स ऑक्सीमेट्री करवा लेते हैं ब्लड शुगर लेवल्स कैल्शियम लेवल्स करवा लेते हैं ए सी जी करवा लेते हैं और इसके अलावा सेप्टिक स्क्रीन करवा लेते हैं तो ये सारा कुछ जो है ना हमारा चलता है कि ब्लड कल्चर वग़ैरह और सी कल्चर वगैरह ठीक है उसके बाद मैनेजमेंट सो मैनेजमेंट क्या होगी देखें ये भी एक बच्चा प्रीमिचोरिया है कि जिसके लंग्स ऐसे डेवलप नहीं हुए हुए तो हम उसको टेम्परेचर मेंटेन रखेंगे फ्लोइड इलेक्ट्रोलाइट्स देंगे मिनिमल हैंडलिंग करेंगे इनपुट आउटपुट रिकॉर्ड करेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन मेंटेन करेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस को ट्रीट करेंगे उसको वार्म ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन देंगे कंटिन्यूस पॉजिटिव प्रेशर प्रेशर वेंटिलेशन पर लगा देंगे सरफेट रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे सारी सपोर्टिव मैनेजमेंट है हाउ वी कैन प्रिवेंट इट प्रिवेंटिव मैनेजमेंट क्या है तो ये सारी वो ऑक्सीजन वगैरह मैंने आपको बता दी ठीक है सर फैक्ट्रन रिप्लेसमेंट थेरेपी ये कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमने डिस्कस कर लिया हैं पीछे और प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं कि हम सी सेक्शन को अवॉइड करें जितना हो सकता है लेबर इंड्यूस करें क्योंकि लेबर की वजह से सरफेक्ट्रन का लेवल ज़्यादा होता है ठीक है तो इस वजह से आ, क्योंकि लेबर के दौरान ना कॉर्टिसोल रिलीज़ होता है और कॉर्टिसोल मैंने आपको बताया था सरफेक्टेंट का लेवल ज़्यादा करता है तो इस वजह से सी सेक्शंस को अवॉइड करना चाहिए फिर हाई रिस्क प्रेगनेंसी और लेबर की अप्रोप्रियट मैनेजमेंट करनी है और तीसरा डेक्सा मैथोजोन की एडमिनिस्ट्रेशन करनी है तो डेक्सा मैथोजोन क्या करेगा दैट विल इंक्रीज द सरफेक्टेंट एंड विल प्रिवेंट फ्राम द रेस्परेटी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ठीक है नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज अबाउट द नेक्रोटाइजिंग एंडीरोस नेक्रोटाइजिंग एंड में एक्चुअली क्या होता है इट इज एन एक्वायर्ड डिसऑर्डर। सबसे पहली बात कि इट इज़ एन एक्वायर्ड डिसऑर्डर, जिसमें क्या होता है जिसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल इंजरी होती है ठीक है क्यों Uh, क्योंकि ना पता है क्या होता है प्रीमिच्योर बेबी होता है उसकी गट इचोर होती है जिसकी वजह से वहाँ पे ना वेस्कुलर म्यूकोजल और टॉक्सिक इंसल्टस होते हैं तो उसकी जो इंटेस्टाइन होती है ना वो इंजर हो जाती है तो इट इज़ ए रिक्वायर्ड न्यूनेटल डिसऑर्डर रिप्रेजेंटिंग एन एंड एक्सप्रेशन ऑफ सीरियस इंटेस्टाइनल इंजरी फॉलोइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ वैस्कुलर म्यूकोजल एंड टॉक्सिक टू अ रिलेटिवली इमिच्योर गट ठीक है देन इज वट आर द रिस्क फैक्टर्स ठीक है प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स क्या हैं क्यों जो बेबी की इंटस्टाइन है वो ऐसे हो जाती है सोप्री मेचोर बेबी होगा एक्सचेंज ट्रांसफ्यंस की वजह से होगा पोलिसाथीमिया की वजह से हाइपर वेस्कोस्टी सिंड्रोम्स एंट्रल फीडिंग की वजह से हाइपर स्मॉलर फार्मूला फीडिंग अगर करवाई है या एसफेक्सिया की वजह से जो है ये डिवेलप हो जाता है इसकी पैथोफेजोलॉजी क्या होती है ये पैथोफेजोलॉजी लिखी हुई है कि जब बच्चे को जब बच्चा जो है एसफेक्सिया में जाएगा एसफेक्सिया के टॉपिक हमने देखा था उसकी वजह से क्या होगा कि जो इंटेस्टाइन है उसको ऑक्सीजन ही मिलेगी तो बाउलिसकीमिया हो जाएगा ठीक है और इसके अलावा क्या होता है कि फिर वहाँ पे क्या होगा कि जब ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं जाएगी तो वहाँ पर बैक्टीरियल ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी ठीक है तो बैक्टीरिया जो है वहाँ पे भी जाके गैस प्रोड्यूस करेंगे जिसको कहते हैं न्यूमोटोसिस इंटेस्टाइनलिस और वो गैस जो है वो जो बैक्टीरिया है वो वहाँ पर की नेक्रोसिस कर देंगे और परफोरेशन कर देंगे ठीक है तो ये इसकी पैथिजोलॉजी होगी फिर आती हैं इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स कि सबसे पहले तो ड्यूरिंग फर्स्ट टू वीक्स ऑफ लाइफ ये जो है ना स्टार्ट होता है आफ्टर स्टार्टिंग एंट्रल फीडिंग ठीक है क्या होता है कि बच्चे को हम खाना खिलाते हैं जब बच्चा पहली दफा मतलब दुनिया में आता है तो उसको इस पिकिया हुआ होता है फॉर एग्जांपल तो उसकी गड जो है वो निक्रॉसिस होती है पोफरेटिड होती है तो जैसे हम उसको खाना खिलाते हैं तो फीड इंटॉलरेंस हो जाती है उसकी एबडामन डिस्टेंडेड हो जाती है और उसकी जो स्टूल्स होते हैं उनके अंदर ब्लड आ रहा होता है इसके साथ साथ जो है एबडामिनल वॉल की डिस्कलरेशन हो जाएगी बच्चा लेथार्जिक होगा उससे सांस नहीं लिया जा रहा होगा अपने अपनिया होगा उसको उसका टेम्परेचर जो है वो अनस्टेबल होगा ठीक है ये सारी नीचे चीज़ें लिखी हुई हैं टेम्परेचर अनस्टेबल हो जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बेबी चला जाएगा ठीक है तो ये आपको नीचे पिक्चर नज़र आ रही है डोमिनल डिस्टेंशन हो गई हुई है नेक्रोटाइजिंग एंडीरोटिस में कितनी ज़्यादा गैस प्रोडक्शन की वजह से ठीक है तो ये ट्राइड आपको याद रखना है फीड इंटॉलरेंस डोमिनल डिस्टेंशन और ग्रॉस ब्लडिंग स्टूल्स ये तीनों ट्राइड आपने याद रखने हैं उसके बाद हम इसकी डायग्नोसिस कैसे करेंगे क्लिनिकल ट्राइड ये तीन चीज़ें एबडामिनल डिस्टेंशन फीड इन टॉलरेंस और ग्रॉसली ब्लडी स्टूल्स ठीक है ये तीन चीज़ें आपको मिल जाएंगी फिर आप सी बी सी करवाओगे उसमें आपको डब्ल्यू बी सी राइस मिलेंगे न्यूट्रोपेनिया मिल सकता है एक्सरे करवाओगे एबडामिन का तो आपको डायलेटेड लूप्स मिलेंगी क्योंकि एब्सट्रक्शन हुई हुई है एबडामिन की इंटेस्टाइनस की ठीक है, है उसमें आपको गैस मिल जाएगी पर्फरेशन मिल जाएगी जिसमें और इसके अलावा आप करवा लोगे ब्लड कल्चर्स ठीक है आप करवा लोगे ब्लड कल्चर्स आप जो स्टूल blood, आप थीक है स्टूल्स स्क्रीनिंग करवा लोगे फॉर द ब्लड आप एबीजीस करवा लोगे सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स कोगलेशन प्रोफाइल करवा लोगे ठीक है तो ये सारी इन्वेस्टिगेशनस हैं क्या क्या है क्लिनिकल ट्राइड सी बी सी एक्सरे इंटेस्टाइन ब्लड कल्चर स्टूल स्क्रीनिंग ए बी जी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स और कोकुलेशन प्रोफाइल ठीक है तो अब इसकी मैनेजमेंट कैसी होगी अब देखें बच्चा खा पी नहीं सकता तो हमने उसको कुछ खिलाना है नहीं उसको इंटायरेक्ट फीडिंग नहीं देनी उसको टोटल पार एंड्रल न्यूट्रीशन लगाना है उसको एनजी ट्यूब डालनी है और सारी उसकी स्टमेक को साफ करना है वॉश आउट करना है उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करना है उसके अब्डामिन की डिस्टेंशन को नोट रखना है और वहाँ पे जो बैक्टीरिया जमा हुए हैं उनको मारने के लिए हमने एंटीबायोटिक्स देने हैं मेट्रोनाइडल सोल्स देने हैं और जो नेक्रोसिस होगी हुई है जिस सेगमेंट की उसको हमने सर्जिकली रिमूव कर देना है ठीक है सो दिस इज ऑल अबाउट थ्री टॉपिक्स हमने इस चैप्टर में इस वीडियो में डिस्कस किए हैं नेक्रोटाइजिंग एंडीरोटिस प्री मिच्योरिटी एंड द रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम